हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज है हमारे साथ में रेट्रो सेगमेंट की तीन ज़बरदस्त बाइक। अगर आप भी पसंद करते हैं रेट्रो क्रूज़र बाइक चलाना, तो आपको भारतीय बाज़ार में अलग अलग कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें कि पहला ऑप्शन आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा रॉयल इनफील्ड में। उसके बाद आपको जावा और यस्दी भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आज है हमारे साथ में रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350, जावा की 350, जो कि जावा ने हाल ही में लॉन्च की, और तीसरी बाइक है वो है यस्दी रोडस्टर। तो आपके साथ सारी डिटेल शेयर करेंगे और क्या कुछ इन तीनों में कंपैरिजन बनेगा वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले ऑफ्टरऑल मैं इन सभी के लुक्स और डिज़ाइन की अगर बात करूँ, तो इस सेगमेंट में आप जितनी भी बाइक देखोगे तो लगभग सबका डिज़ाइन और सबका लुक्स आपको सेम ही मिलेगा, कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आएगा। सबसे पहले मैं बात करूँ इन तीनों फ्रंट की लाइट वगैरह की, तो यहां अगर आप क्लासिक 350 की बात करोगे और जावा 350 की अगर बात करो, तो इन दोनों में आपको हैलोजन सेटअप के साथ टर्न इंडिकेटर्स भी सेम हैलोजन भी देखने को मिलेंगे, बट आपको यस्दी रोडस्टर के अंदर फ्रंट की लाइट एलईडी देखने के लिए मिल जाएगी। हालांकि इसके टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको हैलोजन ही देखने के लिए मिलेंगे। अभी थोड़ा सा नीचे चलें तो इनके सस्पेंशन देखोगे ना, तो आपको यहां पर तीनों के अंदर ही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे। बस यहां पर फर्क ये आएगा, क्लासिक 350 के अंदर आपको कवरिंग देखने को मिल जाएगी, जावा 350 के अंदर देखने मिलेगी, बट यहां पर यस्दी रोडस्टर के आपको सस्पेंशन जो है वो ओपन देखने के लिए मिलेंगे। तो फर्क जो ऊपर आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। बाकी अगर मैं बात करूं टायर्स की, तो यहां सबसे पहले क्लासिक 350 में आपको स्पोक व्हील सबसे बेस वेरिएंट मिलेगा, और उसके बाद अगर आप टॉप वेरिएंट में जाओगे तो आपको एलॉय व्हील ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको ब्रेकिंग सिस्टम सिंगल चैनल आपको सबसे बेस मॉडल में प्रोवाइड होगा, बाकी टॉप मॉडल में आते आते आप डुअल चैनल ABS प्रोवाइड कर सकते हो। बाकी टायर साइज अराउंड सेम ही आएगा। यहां पर जावा 350 के अंदर आपको स्पोक व्हील ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि आपको एडॉन एसेसरीज पार्ट है। अगर आप एलॉय व्हील लगवाना चाहो तो इजीली लगवा सकते हो, बट आपको कंपनी से जो ऑफ़र किया जाएगा वो स्पोक व्हील ही ऑफ़र किया जाएगा। बाकी का यहाँ पर अगर बात करूँ मैं यस्दी रोस्टर की, तो यहाँ पर आपको एलॉय व्हील सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिल जाएगा, और यही वाले एलॉय व्हील आप एडॉन एसेसरीज आप इस बाइक के अंदर परचेज करके इजीली लगा सकते हो, यही वाले एलॉय व्हील यहाँ पर आएंगे। अभी मैं बात करूँ इन दोनों के अगर मैं बात करूं साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल इन तीनों की ही लगभग ऑलमोस्ट सेम आती है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला। सबसे पहले मैं बात करूं यस्दी रोस्टर की, तो यहां आपको फ्यूल टैंक जो है वो अराउंड 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलेगा, और लुक और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा निकल के आता है, काफ़ी कंफर्टेबल आएगा। और जावा 350 के अंदर आपको देखने को मिलेगा 13.2 लीटर का फ्यूल टैंक, 13.2 से लेकर 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आपको क्रोम पार्ट देखने के लिए मिलता है, जो क्रोम वगैरह से होता है। क्लासिक 350 के अंदर 13.5 लीटर फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा, और साइड लुक जो आएगा वो तीनों का ही लगभग सेम आएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ सीट की, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर स्प्लिट सीट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, हालांकि कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है। जावा 350 के अंदर आपको एक सिंगल सीट ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, और इस तरीके से सीट होगी जो काफ़ी बढ़िया निकल के आएगी। क्लासिक 350 के अंदर भी आपको स्प्लिट सीट ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर बात करी जाए इन तीनों के ही इंजन की, तो सबसे पहले मैं बात करूँ यस्दी रोस्टर के इंजन की, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 334 cc का इंजन, लिक्विड कूल्ड इंजन होगा, और BS6 फेज 2 रेडी होगा, जिसकी पावर परफॉर्मेंस होगी 29 PS की पावर एंड 29 Nm का टॉर्क, 6-speed गेयरबॉक्स के साथ ये देखने के लिए मिलेगी, और काफ़ी अच्छी पावर परफॉर्मेंस निकल के आती है। अब वहीं मैं अगर बात करूं जावा 350 के इंजन की, तो यहाँ पर आपको सेम CC ही SD वाली देखने को मिलेगी, 334 cc, बट यहाँ पर आपको पावर फिगर थोड़ा कम मिलेगा। हालांकि इसमें भी आपको लिक्विड कूल्ड इंजन ही मिलेगा, BS6 फेज 2 इंजन रेडी देखने मिलेगा, जो कि 6-speed गेयरबॉक्स के साथ होगा। मैं बात करूँ पावर फिगर की, यहाँ पर मिलेगा आपको 22 bhp और 28 Nm का टॉर्क, जो कि इन दोनों से थोड़ा सा BHP में डिफरेंस आ जाएगा, टॉर्क वगैरह अराउंड सेम होगा। अब अगर वहीं बात करी जाए रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 के इंजन की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 350 cc सिंगल सिलेंडर 4-valve एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन देखने के लिए मिलेगा, 5-speed गेयरबॉक्स के साथ यहाँ पर ये इंजन देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर आपको जो पावर फिगर है 20 bhp और 27 Nm का टॉर्क, जो कि इन दोनों ही बाइक कह लो या फिर तीनों ही बाइक कह लो सबसे पीछे की तरफ जाता है इसका इंजन। इसके अंदर आपको इंजन पावर फिगर कम मिलेगा, गियर भी कम मिलेंगे, और आपको लिक्विड कूल्ड जैसा सिस्टम इसके अंदर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा। हालांकि भारतीय बाजार में आपको सबसे ज़्यादा सेल जो है वो रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 की ही देखने के लिए मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको सर्विस नेटवर्क अच्छा मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको सर्विस वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। अभी मैं बात करूँ इन तीनों की ही टेल सेक्शन या फिर टेल के तरफ की बात, तो सबसे पहले मैं बात करूँ
यस्जी रोडस्टर के टेल सेक्शन की। तो यहाँ आपको टेल में लाइट जो होगी, इंडिकेटर जो होगा वो एलईडी में देखने मिलेगा, टर्न इंडिकेटर हैलोजन ही मिलेंगे, बाकी एग्जॉस्ट देखोगे। यहाँ आपको डुअल एग्जॉस्ट देखने के मिल जाएंगे और यहाँ पर स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक अब्सॉर्बर आपको सस्पेंशन देखने के मिल जाएंगे। अब वहीं बात करी जाए अगर जावा 350 के, तो यहाँ पर सेम ही सस्पेंशन देखने के लिए मिलेंगे एज कम्पेयर यस्जी रोडस्टर, सेम सस्पेंशन यहाँ मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर भी आपको एग्जॉस्ट जो है वो डुअल ही देखने के मिलेंगे, बस यस्जी रोस्टर में आपको मैट कलर देखने मिलेगा और यहाँ पर आपको क्रोम के साथ ये पार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी टायर साइज ऑलमोस्ट दोनों का ही सेम होगा, 130-130 सेक्शन का टायर साइज देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर अब चलूँ मैं क्लासिक 350 पे, तो यहाँ भी आपको टेल लाइट जो है वो LED ही देखने की मिलेगी और हेलोजन बल्ब इंडिकेटर मिलेंगे। एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ पर एक देखने के लिए मिलेगा, बाकी रेयर में इसमें भी आपको टेलीस्कोपिक स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन मिलेंगे, जो रेयर के तीनों ही सस्पेंशन ओके सेम ही निकल के आते हैं। अब वहीं मैं अगर बात करूं फीचर्स की, तो फीचर्स वाइज सबसे पहले मैं चलूं मीटर की तरफ, तो यस्जी रोस्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको एक फुल डिजिटल मीटर यूनिट देखने के लिए मिल जाती है, जिसके अंदर पहले मैं ऑन कर देता हूं, जिसके अंदर देखोगे ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके मीटर के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि देख रहे हो ऊपर की तरफ आपको ब्लिंकर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, बैटरी लाइट, हीटिंग सेंसर, ABS और न्यूट्रल, इंजन लाइट, रिजर्व, ये सारे ऑप्शन इसमें मिलेंगे। बाकी यहाँ पर आपको गियर ऑप्शन, टाइम, फ्यूल इंडिकेशन और यहाँ साइड स्टैंड, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर सारे फीचर्स के अंदर देखने मिलेंगे। हालांकि कनेक्टिविटी जैसा अभी तक कोई सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी इसका जो हैंडल है वो कुछ इस तरीके का निकल के आता है। अभी मैं चलूँ जावा 350 के तरफ, तो जावा 350 की अगर मैं बात करूँ मीटर की, तो यहाँ आपको एक सेमी डिजिटल यूनिट मीटर देखने के लिए मिलती है। इसे ऑन करके देख लेते हैं। हालांकि इसमें जो डिजिटल मीटर यूनिट है उसके अंदर खाली आपको ओडोमीटर और ट्रिपो सेंसर देखने के लिए मिलेगा, और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपको ओडोमीटर में ही देखने मिलेंगी, लाइक फ्यूल सेंसर हो गया, मतलब कि फ्यूल गेज हो गया, या फिर स्पीडोमीटर हो गया, सारी चीज़ें नॉर्मल एनालॉग में देखने के लिए मिलेंगी। बाकी एक छोटी सी डिस्प्ले में आपको यही ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। कुछ फीचर्स जो हैं वो इसके अंदर ये निकल के आते हैं। बाकी हैंडल बार देख रहे हो काफ़ी अच्छा है। हालांकि यहाँ पर आपको तीनों ही बाइक में हैजार्ड यानी पार्किंग स्विच देखने को मिल जाएगा, जो कि देखोगे इस जगह पे है। इसके अंदर भी आपको हैजार्ड लाइट देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी अभी चलते हैं हम क्लासिक 350 की तरफ, तो क्लासिक 350 की अगर बात करी जाए मीटर की, तो यहाँ आपको एक सेमी डिजिटल यूनिट देखने के लिए मिल जाती है और ट्रिपो मीटर का आपको ऑप्शन मिलेगा। एड ऑन एसेसरीज आप अलग से परचेज करके ट्रिपो मीटर इसके अंदर लगवा सकते हो। यहाँ मिलेगा आपको जो डिजिटल डिस्प्ले में आपको फ्यूल ऑप्शन, ओडोमीटर और यहाँ पर कितनी चल चुकी है ये दिखाएगा। बाकी ऊपर की तरफ आपको स्पीडोमीटर और नॉर्मल से सारे वही गेज देखने के मिलेंगे। बाकी देखोगे कुछ इस तरीके का हैंडल बार या फिर हैंडल पोस्चर निकल के आता है। दोनों का ही, तीनों का ही हैंडल पोस्चर जो है वो अराउंड सेम निकल के आता है। अभी मैं बात करूँ इन तीनों की प्राइसिंग की, तो सबसे पहले बात करूँ मैं प्राइसिंग की, तो यस्जी रोस्टर से शुरू करते हैं। यहाँ आपको 2,08,000 एक्स शोरूम देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस निकल के आता है। वहीं बात करी जाए जावा 350 की प्राइसिंग की, तो यहाँ पर आपको 2,15,000 एक्स शोरूम देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्लासिक 350 की तरफ, रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 की तरफ, तो वहाँ पर आपको प्राइसिंग जो होगी 1,93,000 से शुरू होकर 2,24,000 एक्स शोरूम तक जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपको बेस मॉडल अगर लेंगे तो 1,93,000 में आपको बेस मॉडल खरीदेंगे, जिसमें आपको स्पोक व्हील मिलेगा और आपको सिंगल चैनल ABS मतलब कि सिंगल डिस्क देखने को मिलेगी, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा सबसे बेस मॉडल में। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे एक्स शोरूम बढ़ जाएगा, 2,24,000 तक टॉप एंड वेरियंट इसका देखने के लिए। अब अभी अगर वहीं बात करी जाए सर्विस नेटवर्क एरिया की, तो एज़ कम्पेयर जावा और यस्जी, जावा और यस्जी की जो बाइकें हैं वो आपको सेम डीलरशिप पे देखने के लिए मिल जाएगी, बट इसके कंपैरिजन में आपको रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 का सर्विस नेटवर्क एरिया ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। आपको जगह जगह पर डीलरशिप देखने के मिल जाएंगे, बट धीमे धीमे जैसा कि जावा यस्जी भी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो अब आपको इसके भी डीलरशिप भारतीय बाज़ार में बहुत जगहों पर मिलने लगे हैं। बाकी धीमे धीमे आते हैं भारतीय बाज़ार में कैसा परफॉर्मेंस करेगी, उस हिसाब से इसकी भी सर्विस नेटवर्क एरिया आपको अच्छा मिलेगा। इनके कंपैरिजन में क्लासिक 350 का तो आपको सर्विस नेटवर्क एरिया ज़्यादा देखने के लिए तो मिलता ही है। बाकी का कैसा लगा है एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपको इन तीनों बाइक्स में कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आई है उसको लेके भी अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।